है। सो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ एक इनोवेशन प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए। ये है वायरलेस चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अगर आप इसका बना एक मेकिंग वीडियो भी मैं डालूंगा यूट्यूब पे। सबसे पहले एक वीडियो मैं डालूंगा इसका एक्सप्लेनेशन का आखिर चलता कैसे है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें मैंने ये देख सकते हैं आपके इसके कंपोनेंट यूज होंगे 16:12 LCD डिस्प्ले, मैंने यूज़ किए 7805 रेगुलेटर, बजर, बैटरी, यहाँ पर 1000 F कैपेसिटर, 4007 डायोड, 10 किलो रेजिस्टर, ये मैंने यूज़ किया नोड MCU। आप चिंता ना करिए, आप नोड MCU के बजाय आर्डिनो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आर्डिनो नहीं था इस वजह से मैंने नोड MCU यूज़ किया। और ये है ब्रेडबोर्ड, राइट, ये है हमारा 22 गॉज का कॉपर वायर, ये ट्रांसमीटर पार्ट है, ये हमारा रिसीवर पार्ट है, ये भी 22 गॉज का, ये आपको लेना पड़ेगा। और ये हमने यूज़ किया है J44 एंड MOSFET VTR स्विच, और बैटरी और एक सोलर प्लेट। ये मैंने PCB सर्किट बनाया है, मैं आपको PCB सर्किट भी दिखा दूंगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वर्किंग आखिर चलता कैसे है, राइट। तो अब मैं आपको इसका बैटरी लगा दिया, स्विच ऑन था, ठीक है ना, स्विच पे, यानी हमारा चार्जिंग स्टेशन ऑन हो गया। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे मैं अपना स्विच ऑन करूँगा, ये देखिए वायरलेस चार्जिंग, मेरा नाम आ गया अंश तिवारी सपरवारी। अब देखिए यहाँ पर बैटरी दिखा रहा है 100%। अभी यहाँ पर सब मेरा तो वायर हिल गया, एक सेकेंड रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ा हिल गया, ये देखिए थोड़ा हिल गया था, 91% पे आ गया, यानी हमारी बैटरी थोड़ी कम चार्ज है, इसको चार्जिंग पे लगाना है। तो जैसे मैं इसको अपना कार लेके जाऊँगा चार्जिंग के लिए, ठीक है ना, जैसे लेके गया बजर बची, यहाँ लिख के आने लगा बैटरी चार्जिंग। आप पूरी देख सकते हैं पूरी तरीके से फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है, कॉपर वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए जा रहा है। तो अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ है। इसमें यूज़ हुआ है कि जो हमारा ये कॉपर वायर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए सिग्नल भेजता है हमारी रिसीवर कॉइल में, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रिसीवर कॉइल में जाती है, ये सिग्नल भेजती है हमारे रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके 7805 IC भेजती है, जो कि फिर इसको भेजता है हमारे नोड MCU में, जिसमें कोड लगा है, जो कोड जाता है फिर हमारी LCD पे, हमारी LCD वो डिस्प्ले होता है और फिर हमारी बैटरी भी उससे चार्ज होती है। और यहाँ पर मैंने सोलर प्लेट भी लगाई है इमरजेंसी के लिए, पावर के लिए। और इसका मेन एडवांटेज ये आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अवार्ड में अपनी, कि जैसे कि कॉपर वायर जो होते हैं नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं वॉल्केनिक इरप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से, तो फिर उसमें ये होता है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है बाद में एक्सटेंड हो सकता है, वो मिलियन ईयर्स लेता है, जैसे कि कोल टाइम लेता है प्रोड्यूस होने के। तो फिर अगर कॉपर ख़त्म हो गया, एक्सटेंड हो गया, तो फिर हम लोग ये कार वार या हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें फिर से आगे आने वाले जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को रिफर करते हैं, जिससे कि वायर भी कम यूज़ होगा और हमारा जो एक्सटेंड होने की रेट वायर्स की वो कम हो जाएगी। और इसका एक और रीज़न है, हम जब प्लग इन करते हैं कार को चार्जिंग के लिए, तो वो जो है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होकर वहाँ पर डल भी सकता है, ऐसा बहुत बार एक्सीडेंट्स हुआ है, और वहाँ पर अगर कोई इंसान मौजूद हुआ तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, इसको ले जाना चाहते हैं इंस्पायर अवार्ड के लिए, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो उसके बाद में इसका कुछ दिनों में, क्योंकि इसको मुझे भी सबमिट करना है, तो मैं कुछ दिनों में इसका वीडियो बनाऊंगा वर्किंग के लिए। सो थैंक यू, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन।